नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली के विधायक गणेश नाई के सबसे निष्ठावान और पूर्व उप महापौर भरत नखाते के जन्मदिन के खास मौके पर हर साल के भांति इस साल भी गणेश कृपा मित्र मंडल और श्री गणेश बाल मित्र मंडल द्वारा वाशी डी टाइप में आपला भरत चषक अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धा 2021 डे नाइट क्रिकेट का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाई के हाथों संपन्न हुआ, जहां उनके साथ उपस्थित थे पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पूर्व नगर सेवक संपर्क शेवाले, युवा नेता निशान भगत, एडवोकेट नीलेश भोजने, राजेश शेट्टी समेत तमाम डी टाइप रहवासी और खेल प्रेमी। इस दौरान संदीप नाइक ने आपला भरत परत परत का उद्घोष करते हुए भरत नखाते और विधायक गणेश नाइक के बीच मजबूत रिश्तों की यादों को ताजा किया। इस दौरान संदीप नाइक ने बल्लेबाजी कर इस अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, उन्होंने टॉस उड़ाकर इस क्रिकेट स्पर्धा के पहले मैच की आधिकारिक शुरुआत की। संदीप नाइक ने भरत नखाते के जनसेवी भावनाओं का स्मरण करते हुए कहा कि नाइक परिवार का नखाते परिवार से एक अनूठा रिश्ता रहा है। हर गणेशोत्सव में सबसे पहले गणपति पूजा ऐरोली के विधायक गणेश नाइक सह परिवार भरत नखाते के गणपति मंडल में आके करते हैं। संदीप नाइक ने इस दौरान भरत नखाते की जमकर सराहना करते हुए उनके कार्यों को राजनीतिक सामाजिक ताकत देने की बात करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वेगवेगळ्या उत्सवांचं आयोजन, वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन, एक कार्यकर्ता म्हणजे मी उपमहापौर आहे म्हणून नाही, परंतु सर्वांच्या सोबत जाऊन छोटी छोटी कामं करणं आणि एक एकतेची भावना निर्माण करण्याचं काम भरत नखात्यांनी नेहमी केलेलं आहे। आज जे सर्व मान्यवर आम्ही सर्वजण आलो, या परिसरातील सर्व नागरिक, आम्ही भरत नखात्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो। संदीप नाईक ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आज सेक्टर 1 और 2 में भरत नखाते के कार्यों की छाप जनता के दिलों में अभी भी बसी हुई है। नवी मुंबई महानगर पालिकेमध्ये उपमहापौर म्हणून एक अत्यंत जबाबदार पदावर अत्यंत योग्य भूमिका आपल्या शहराच्या हिताकरता त्यांनी बजावलेली आहे। फक्त शहराचं हित बघत असताना, चांगली काम करत असताना अनेक प्रसंगांमध्ये अडचणीच्या वेळेस अत्यंत योग्य पद्धतीनं आपल्या नेतृत्वाची भूमिका मांडण्याचं काम देखील या नेतृत्वानं केलं। दिवसेंदिवस त्यांना आपण बघतोय, त्यांचं आज वय जे आहे, परंतु ते रिव्हर्स गिअरमध्ये आपल्याला टाकलेलं आपल्याला बघायला मिळतं। खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्येष्ठांचा आशीर्वाद त्यांना असतो, तरुण मंडळी त्यांच्या नेहमीच बरोबर असतात, त्यामुळे जरी वय वाढलं असलं तरी त्यांचं मन हे अजून एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यासारखंच आहे। नाईक साहेब आल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी एक वेगळा संचार होत असतो, त्यामुळे एक असा तरुण कार्यकर्ता कुठल्या क्षणी या वयामध्ये देखील नाईक साहेबांची उपस्थिती असल्यानंतर त्यांच्यामध्ये मला नेहमी जाणवत असतो। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।